सो गाइस फिर से हम एक हॉरर स्टोरी के साथ आ गए, तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी। तो आज की स्टोरी मेरी मम्मी है, उनके गांव में जो आजू बाजू के गांव वाले होते हैं ना, उन्होंने बताई थी कि जो पुराने ज़माने में राजा महाराजा होते थे, तो पहले के समय में कैसा होता था कि अपने पानी वानी की व्यवस्था तो होती नहीं, तो नदी तालाब यही सब मतलब वहाँ से ही पानी भर के लाते थे सब लोग। तो एक राज्य था, बहुत बड़ा राज्य था, तो वहाँ पे 6-7 कुंड होते ना, जैसे तालाब जैसे कुंड, वैसे बहुत बड़े बड़े कुंड थे, मतलब बहुत ही बड़े। एक कुंड भी इतना बड़ा कि मतलब 2-3 राज्य आराम से वो पानी को यूज कर सकते हैं। तो एक ही राज्य का वो था, मतलब सबसे 7 कुंड थे उनके, तो वहीं से पानी का जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कह सकते हैं अपने जो होता था। तो एक टाइम ऐसा है कि बहुत सूखा पड़ गया, इतनी तेज बारिश वारिश नहीं हुई 3-4 सालों तक, तो पूरा कुंड सूख गया। तो उन मतलब ऐसा होता है ना, इंद्र भगवान को खुश करते, मतलब उनकी पूजा उजा करते तो बारिश होती है, फिर पहले के जमाने में तो ऐसे ही माना जाता था, होता था ऐसा। हाँ, तो फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो जो राजा था उसकी मतलब दो बेटी, मतलब एक बेटी थी, हाँ राजा की एक बेटी थी, तो उसकी भी शादी वादी हो गई थी और वो अपने लाइक ससुराल चली गई थी। तो उनको उनको एक बाबा मिले जो मतलब ब्लैक मैजिक काला जादू करते थे, तो वो अपनी प्रजा के साथ मतलब राजा को उन्होंने दरबार में राजा ने मतलब उस ब्लैक मैजिशियन जो था उसको बुलाया काला जादू करने वाले को, और उसने बताया मतलब ऐसा उपाय बताया कि उपाय भी नहीं कह सकते वो क्या था पता नहीं। तो उसने बोला कि तुम अपनी बेटी का सर काट के अगर उस कुंड में मतलब उसका खून गिराओगे ना, उसका सर रख दोगे, तो कुंड वापस भर जाएगा, मतलब खून पानी से भर जाएगा, खून से नहीं पानी से भर जाएगा। सच में? हाँ सच में ऐसा मतलब सुना है, गांव वाले लोग तो बोलते हैं ऐसा था, रियल स्टोरी है वो, आज भी कुंड है। तो उसके बाद मतलब राजा ने थोड़ा सोचा वोचा, उसने बोला ठीक है चलो करता हूँ। तो अपनी राज सेना के साथ गया दूसरे राज्य अपनी बेटी को वापस हाँ लेने के लिए गया। तो वो गया, अपनी बेटी को बोला कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत खराब है ऐसा वैसा, तो तुम वापस चलो। तो वो आ जाती है और उसके बाद वो वैसा ही करता है, अमावस की रात को उसकी बेटी का सर काट देता है और उसमें कर देता है, और पूरे सही में कुंड में पानी भर जाती है, पूरा कुंड में पानी भर जाती है जितने साथ हो, मतलब ब्लैक मैजिक था एक तरह से कह सकता है। तो पूरा पानी वानी भर जाता है। तो फिर बहुत समय हो जाता है, 1 साल हो जाता है, तो मतलब अब कैसा होता है, राजा है तो कुछ बोल भी नहीं सकते दूसरे राज्य वाले की, बहुत बड़ा राजा है वो। तो बहुत टाइम बाद लड़की की सांस आती है कि हाँ मतलब अपनी प्रजा के साथ की मतलब बेटी आई नहीं अभी तक मेरी बहू। तो वो आती है तो उसी कुंड में उनको आवाज आती है जैसे लड़की की गाने की, कि मुझे इस जगह मारा था ऐसे करके, हाँ ऐसे गाना गाती थी। तो वो समझी मतलब कुंड के पानी के अंदर अंदर से आवाज आती थी, बुलबुले कैसे आते हैं पानी में से वैसे आते थे बबल्स टाइप, और ऐसे आवाज। तो उसे लगा मछली वछली हो गया, आजू बाजू से जंगल में से आवाज आई होगी, तो वो इग्नोर करती है। फिर उसके ससुर आते हैं, सेम यही चीज होती, फिर कुंड में से आवाज आती है, बट सिर्फ नॉर्मल आवाज आती है गाना गाने की, रोते हुए नहीं लड़की, मतलब लड़की कैसे रोती है, हाँ तड़प के रोती है वैसा था, कुछ नहीं होता ऐसे। उसके घर से जो लड़के के घर वाले थे ससुराल में से बहुत लोग आते हैं, बट सिर्फ आवाज आती है। फिर लास्ट में जब उसका पति आता है ना, तो सेम रोने की आवाज आती है कि मतलब गाना गाने के रूप में कॉन्सेप्ट, हाँ मुझे मारा गया ऐसे लाख। मेरे पापा ने मुझे ऐसा ऐसा करके पिताजी ने मार दिया मुझे ऐसे, तब उसे पता चलता है, रियलाइज होता है ऐसा हुआ। फिर मतलब वो श्राप भी दे देती है, और कुछ सालों बाद पूरा मतलब वो जो मतलब राज्य था ना पूरा बर्बाद हो जाता है, सब मर जाते हैं वहाँ पे, जितने लोग थे सब मर जाते हैं। मतलब वो आज भी गांव मतलब जहाँ पे वो गांव ही खत्म हो, राज्य था ना नहीं मतलब जो राज्य था पूरा, सब उसके पपीता वीता जो वहाँ पे गाँव में रह रहे थे सब मर गए, कोई नहीं बचा वहाँ पे, और वो आज भी पूरा सुनसान पड़ा है, पूरा गाँव आज भी सुनसान पड़ा है। हाँ वो पूरा महल मिला कुंड भी है वो सूख, मतलब आज भी उसमें पानी है लेकिन, बट वो कुंड में जाता नहीं। अब कैसा कैसे वहाँ पे कैसा कहते हैं कि हर 5 साल में एक बार ऐसा आता है जो 13-14 लोगों की बलि वो नदी में लेती है तालाब में। जैसे अब वो कैसा है कि वहाँ जानवर भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, गांव वाले जो दूसरे गांव के लोग होते हैं ना, ऐसा होता है कि मछली पकड़ने हो गए वैसे आ गए। अब जिनको नहीं पता है तो वो 5 साल में आते हैं, मतलब जब भी आते हैं तो 5 साल, अब किसी को क्या पता चलेगा, तो जब भी आते हैं ना तो अंदर खींच लेती है ऐसे 13-14 लोगों, उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, फिर हर 5 साल में ये चीज़ें होती है। तो लाइक मैं जब गांव भी गया था तो ये चीज़ें सुनी थी ना मैंने, तो बोला यार मतलब आज भी ये सब चीज़ें होती है। तो मतलब ये थी कहानी। तो कैसी लगी आपको स्टोरी बताओ, वीडियो को करना लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नए स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हुआ क्या आज के भाई, मैं सुनाएंगे अच्छे अच्छे खासे मोड़ से सुना रहा था ये तो लगता है बहुत मर ही रहा है। अरे भूत तो जो ही नहीं जाता जो ऐसा पता है।
के भाई नीचे कंटिन्यू करना है। मारो मुझको खत्म कर ले मार। अरे जबरदस्ती कैसे खत्म।